नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 41,806 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 581 मरीजों की कोरोना से जान गई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,09,87,880 पहुँच गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीम इंडिया के 2 क्रिकेटर्स कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऋषभ पंत के अलावा दूसरे खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है। देश की राजधानी दिल्ली में बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते लोगों को ये जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है कि कब कौन सी बस कितने बजे आएगी, साथ ही उसका किराया कितना होगा। लेकिन अब ऐसी तमाम जानकारियां लोगों को उनके फोन पर मिल जाया करेंगी। दिल्ली सरकार ने गूगल मैप के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसिट सिस्टम को जोड़ दिया है। अमिताभ बच्चन इस वक्त अपने घर प्रतीक्षा की वजह से सुर्खियों में हैं। उनके घर के बाहर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने पोस्टर लगाए हैं और एक्टर से बड़ा दिल दिखाने की अपील की है। मालूम हो कि ये पोस्टर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर लगाया गया है। ये पोस्टर बुधवार रात को नायक के घर के बाहर चिपकाए गए हैं। पूरे देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने सभी को परेशान कर रखा है। जुलाई महीने में 7वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 2 दिन की शांति के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 101.54 रुपए प्रति लीटर पर, जबकि डीजल भी 89.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र की डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली विधानसभा में आज भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा के स्मारक का अनावरण किया गया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए काम किया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। नासा ने एक दिलचस्प तस्वीर शेयर की है जो आलू की तरह दिखती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छवि किसकी है? नासा का कहना है कि ये आलू नहीं है, लेकिन दिखने में तो बिल्कुल आलू जैसी ही है। दरअसल ये तस्वीर मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस की है। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश को कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा जरूरी थी, लोग कोरोना की चपेट में न आए, इसलिए हमने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को पहले ही रोक दिया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।